आज हमारे हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमने जिस व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, वह कई प्रतिभाओं की धनी हैं। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो एक लेखिका हैं, संगीत निर्देशिका हैं, एंकर हैं, रेडियो जॉकी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत कुछ। मैं हमारे पूरे ECGC परिवार की ओर से डॉक्टर कामिनी खन्ना की हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कामिनी जी ने कुल 19 किताबें लिखी हैं, जो किसी व्यक्ति के जीवन काल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। कई गीतों को इन्होंने संगीतबद्ध किया है, टीवी के लिए कई कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स लिखे हैं, रेडियो जॉकी होस्ट किए हैं। इन्होंने रेडियो पर सेहर नामक एक कार्यक्रम होस्ट किया था, जिनकी हाईएस्ट रेटिंग थी उस वक्त। सर अभी भी हूँ मैं सेहर में 8 साल से। अच्छा, आपने एस्ट्रोलॉजी में PhD किया है, आपने टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, सामना जैसे कई प्रसिद्ध अखबारों में कॉलम्स लिखे हैं, जी न्यूज़, ABP न्यूज़ और कई TV चैनलों में आपने काम किया है। आपने विभिन्न संस्थाओं में अभी तक 300 से अधिक वक्तव्य भाषण दिए हैं। मैं चाहता हूं कि आज हमारे अधिकारीगण आपके वक्तव्य, आपके अनुभव, आपके मार्गदर्शन का पूरा लाभ उठाएं और आपके अनुभव के चंद अंशों को अपने साथ ले जाएं, अपने में समाहित करें। कामिनी जी को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। पहली बार किसी ने मेरा सही परिचय दिया। जय जीवदानी। सबसे पहले मैं ECGC के आदरणीय अधिकारियों को, मान्यवर श्रोतागणों को बधाई देती हूँ हिंदी पखवाड़े की, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए जो माध्यम थी, नीता जी और मैम पद्मजा जी, गीता जी और जो उपस्थित सारे मान्यवर गण, सभी को प्रणाम करती हूँ। जय जीवदानी। मैंने एक बार लिखा था, क्योंकि मैं आज तक 6000 पोएट्री लिख चुकी हूँ। मुझे यहाँ पर कहा गया कि कामिनी जी आप मोटिवेशन करेंगी। अब मोटिवेशनल लेक्चर जो है वो आपके जीवन में नींद से उठते से ही शुरू हो जाता है। जो सूरज चढ़ उतर रहा था उसे अगर आपने देखा है कहीं पर, सूरज से परिचित हैं आप, तो वो मोटिवेशन करने के लिए आया था आपका। वो जैसे ही आसमान में आया, चारों ओर कम्युनिकेशन शुरू हो गया और कम्युनिकेशन शुरू होते ही सारे कार्यक्रम शुरू हो गए। तो सूरज ने आपका मोटिवेशन किया। कितने लोग हैं जो यहां पर जल चढ़ाते हैं सूरज को, मुझे बताइए। मेरे ख्याल से एक हाथ उठा है। सर जी आप धन्य हो। सूर्य को जल चढ़ाने वाले कहते हैं, हनुमान जी सूर्य की अगवानी करते थे। बात चल रही है हिंदी पखवाड़े की। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्होंने 1918 में इंदौर में हिंदी साहित्यिक सम्मेलन में ये याचिका रखी थी कि हिंदी राजभाषा होनी चाहिए। आज तक हिंदी राजभाषा है, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा कब बनेगी ये सोचती हूँ मैं। और हिंदी राष्ट्रभाषा तब बनेगी जब जितनी हमारी महिलाएं हैं, जो जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो अपने बच्चों से हिंदी में बात करेंगी। क्योंकि ये फैशन है कि बच्चों को हिंदी नहीं सिखाई जाती और बच्चों से इंग्लिश में बात की जाती है। हाउ आर यू, नींद से उठते से उनसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सुप्रभात तो भूल गए। अभी सर बता रहे थे कि मैं RJ हूँ, मैं रोज़ सुबह 92.7 BFM पे आप मुझे रोज़ सुबह सुन सकते हैं 5 से 7, और मैं जब बोलती हूँ तो मैं सुप्रभात 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 यही बोलती हूँ। आप सभी के लिए एक संदेशा जो मैंने दिया कि सूर्य के उदित होने से पहले उठिए
और अपनी जिंदगी में चेंज पाइए। हर आदमी को यहाँ सक्सेस चाहिए। अभी एक ड्रामा हो रहा था और हमारे युवागण कुछ ड्रामा कर रहे थे, एक्टिंग थोड़ी अच्छे से सीख लो भैया क्योंकि मुझे ऐसा लगा वो छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे करके नाचते हैं बाकी तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन थोड़ा सा और आप मनोरंजन उठा सकते हैं। तो मनोरंजन को उठाने के लिए और आपके दिलों को जगाने के लिए हाजिर है कामनी खन्ना। और जब मेरे परिवार में इतने बड़े लोग हो गए घर के अंदर, मेरी माँ शास्त्रीय संगीत की सबसे बड़ी गायिका थी, वर्ल्ड की मानी हुई श्रीमती निर्मला देवी जी, और उनसे पहले उनके पिता जो थे वो सबसे बड़े तबला वादक थे संसार के, वासुदेव प्रसाद जी। तो हमारे परिवार में एक से एक बढ़ते गए लोग, बढ़ते गए। अभी वो सपना देख रहे हैं अब कृष्णा अभिषेक को। सपना को देखते हो कि नहीं? देखते हैं हाँ जी, कपिल शर्मा के शो में। तो अपने आप में आगे बढ़ना, अपने आप को बढ़ाना, अपनी उन्नति करना, स्व की उन्नति करना, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो। जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती तब आप किसी भी प्रकार से कोई उन्नति नहीं कर पाते, हर उन्नति आपसे मुंह मोड़ लेती है। और उन्नति मुंह ना मोड़े इसलिए आपकी हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। मैं जब रोज़ सुबह रेडियो पर रहती हूँ, कई कॉल्स आते हैं और लोग बोलते हैं कि हमको, मैं पूछती हूँ आपकी समस्या क्या है, तो बोलते हैं हमको सरकारी नौकरी चाहिए। तो सरकारी नौकरी एक समस्या है बहुत बड़ी जो आप महानुभावों को हासिल है, और आप लोग बहुत लकी हैं कि आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। और इसके होने के बावजूद जब मैंने पूछा कि आप सुबह उठ के कौन सूर्य को जल चढ़ाता है, सच्ची सच्ची बताओ कौन सूर्य को जल चढ़ाता है? सूर्य को कोई जल नहीं चढ़ाता, ये बड़ी दुखद बात है। हमारे संस्कारों में है ये सूर्य को जल चढ़ाना, जो उदित होकर दिखाता है, जो आपकी उन्नति दिखाता है, जो आपके जीवन में मोटिवेशन लाता है, उसको जल चढ़ाओ। ये सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके जीवन में करेगा, जैसे वो बढ़ता है ऐसी आपकी भी जिंदगी उन्नत हो, ऐसी आप प्रार्थना करिए उससे। ऐसी भावना जब दिल में आती है कि सूर्य को जल चढ़ाएंगे, एक उदित होती हुई चीज़ के पीछे लगेंगे, और बहुत सारे अगर घर में हीरे मोती, मेरी माँ कहती थी कि जौहरी के घर में झाड़ू मारो तो भी हीरे निकलते हैं, तो बहुत सारे हीरे मोती हो जाएं तो आपको अपना स्थान बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कामनी खन्ना के आगे बहुत सारे सवाल थे कि कैसे आगे बढ़ना है। मैंने बहुत सारी अपने आप से जूझने की तैयारी की और अपनी 6000 पोइट्रियों में से आपको एक पोइट्री सुनाती हूँ ताकि आपका भी मनोबल बढ़े, कि बरगद के नीचे पनप के दिखाऊंगी, बरगद के नीचे पनप के दिखाऊंगी, आंधी में एक दीप जलाऊंगी, समय को अनुकूल बनाऊंगी और खुद को अनुरूप बताऊंगी, झूझना है झूझ जाऊंगी, झूझना है झूझ जाऊंगी, टूटने से पहले जुड़ जाऊंगी, विश्वास दिलों में जगाऊंगी। किसी को सक्सेसफुल अगर लाइफ में होना है तो सामने वाले को कन्विंस करना पड़ता है पहले कि हाँ जी हाँ मैं कुछ हूं। अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाते तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। विश्वास दिलों में जगाऊंगी, मर कर के जिंदा हो जाऊंगी, जो हाथ है उसे कर दिखाऊंगी, जो नहीं है उसे बदल पाऊंगी, भूलूंगी नहीं याद दिलाऊंगी, भूलूंगी नहीं याद दिलाऊंगी, उम्मीद को आसमान दिखाऊंगी। मैं जानती हूं कि लोग डराते हैं, दिस इज द अनदर एस्पेक्ट ऑफ द सक्सेस। जब आप आगे बढ़ते हो तो बहुत लोगों को जलन होती है, बहुत लोग आपके पीछे होते हैं, कि मैं जानती हूँ कि लोग डराते हैं, मैं मानती हूँ कि हम डर जाते हैं, ये भी मानती हूँ कि मुश्किलें मुंह चिढ़ाएंगी, असफलता पर उंगलियाँ उठ जाएंगी, रिडिक्यूल बनाते हैं लोग जब आपसे कोई काम नहीं होता है। तो सब कुछ सह के आपको आगे बढ़ना है। सक्सेस कोई चिड़िया का नाम नहीं जो सुबह सूर्य के साथ उड़ जाती है, सब कुछ सह के आगे बढ़ना होता है। रोज़ का एक संघर्ष, रोज़ की एक बात, रोज़ ही जूझना, रोज़ ही, जैसे ट्रेन पकड़ने की बात हुई,
वैसे रोज ही हर चीज के साथ जूझना पड़ता है। असफलता पर उंगलियां उठ जाएंगी, हौसले तोड़ने को मुंह खुलेंगे, खुद तो भला करना नहीं, जो कर रहा है उससे लोग जलेंगे, मजाक उड़ेगा, खिल्ली उड़ाई जाएगी। अरे कामिनी, क्या तू कभी घबराई थी जो अब घबराएगी।